हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। अभी मॉर्निंग का 9 बज रहा है और लाइट ऑफ है क्योंकि आज है संडे, तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। नींद कंप्लीट हो गया था, 5 बजे तक पूरा नींद कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम से रोज करती थी। आज मैं वर्कआउट के लिए भी नहीं गई, तो मैं सोची कि नहीं, आज आराम से उठूँगी और हमारे इवनिंग में कुछ प्रोग्राम है, तो मैं सोची कि अभी से थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा क्योंकि टाइम लग जाता है। तो मैं सबसे पहले नेल रिमूव की क्योंकि नेल पेंट थोड़ा सा फेड हो गया था। 1 वीक पहले मैं लगाई थी तो उसका जो शाइनिंग था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा न्यू कुछ लगा लेती हूँ क्योंकि जो मेरा आज का आउटफिट है उसके साथ ये पिंक वाला बिल्कुल भी नहीं जाता नेल पेंट। तो मैं सोची कि आज आउटफिट के हिसाब से थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि कौन सा नेल पेंट लगाऊँ, और मेरे पास इतना ज़्यादा अभी नेल पेंट हो गया कि मैं ना कंफ्यूज ज़्यादा हो जाती कि कौन सा लगाऊँ कौन सा नहीं लगाऊँ, समझ ही नहीं आता। फिर मैं इतना सारा निकाल ली, फिर ना मैं सोची कि अब कौन सा लगाऊँ, 3 निकाली, तीनों में से अब फिर से मैं कंफ्यूज हो गई। फिर मैं सोची कि नहीं, इसको मैं लगा लेती हूँ। और एक टाइम ये नेल पेंट मेरा फेवरेट हुआ करता था, मैं कभी भी मतलब कभी भी नहीं, हमेशा इसी को यूज़ करती थी। फिर आज मैं ना लगाते लगाते ना थोड़ा सा अजीब सा मुझे लगा, उतना उसका जो शाइनिंग है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोची कि छोड़ो इसको नहीं लगाती हूँ। फिर मैं ब्लैक निकाली, और ब्लैक तो कोई भी आउटफिट के साथ चल जाता है, तो मैं सोची कि इसी नेल पेंट को आज लगाती हूँ। फिर लगाई और जो शाइनिंग आ रहा था ना ब्लैक वाला से, वो अलग ही मज़ा आया। और जो मैं पैर में भी लगाई थी, मैं ना कन्फ्यूज़ हो गई थी, और मुझे नेल पेंट उतना अच्छा से लगाने आता नहीं है, मैं अच्छा से शेप नहीं दे पाती हूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं इसको भी रिमूव कर दी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में मैं ये वाला लगाई, अब मैं सोची कि ये कैसा लगेगा, तो फिर ओके लगा। और पैर में और हाथ में अलग अलग कलर हुआ तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया, और मेरी रूममेट भी नेल पेंट लगा दी, और वो तो स्लीपर इतना मुश्किल से पहन रही है। देखो भाई, गर्ल्स का ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेल पेंट लगाने का तो बहुत मन करता है लेकिन उसके तुरंत बाद ही स्लीपर पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हम लोग तो 30 मिनट्स बाद ही शूज़ पहन सकते हैं वरना हमारा नेल पेंट ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद नेल पेंट लगाए, इतना अच्छा नेल पेंट दिख रहा है, तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी हो गया क्योंकि इंस्टा में स्टोरी भी तो डालना है। फिर उसके बाद मैं अपना हेयर को बहुत अच्छे से आज वॉश की, और हेड मसाज भी की क्योंकि बहुत टाइम से की नहीं थी, तो मुझे ना बहुत ही रिलैक्स फील हुआ क्योंकि रोज़ जल्दी जल्दी में सारा कुछ काम करना पड़ता है, तो हेड मसाज तो हो ही नहीं पाता है, तो आज थोड़ा आराम से कर ली। शॉर्ट हेयर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि कहीं पे भी जाना होता है या मुझे 1 मिनट में रेडी होना होता है तो मैं फटाफट से रेडी भी हो सकती हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे याद ही नहीं था कि बेडशीट चेंज करना है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मुझे अजीब सा फील हुआ क्योंकि आज संडे भी है और मैं हर संडे को अपना बेडशीट चेंज करती हूँ, मुझे गंदा गंदा लगने लगा, तो मैं सोची कि जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। और अभी 11 बज रहा है, अभी तक मैं कुछ भी खाई नहीं हूँ, भूख ऐसे भी नहीं लग रहा है मुझे आज, तो मैं सोची कि नहीं, बेड से चेंज कर लेती हूँ तो थोड़ा फ्रेश लगेगा। उसके बाद पार्टी में जाने के लिए मैं रेडी होना स्टार्ट कर दी, और 30 मिनट्स आज लग जाएंगे मुझे तो लगता है रेडी होने में क्योंकि आज हेयर स्ट्रेट करना है, और जिस दिन मैं हेयर स्ट्रेट करती हूँ उसी दिन मुझे 30 मिनट्स लगता है, वरना मैं 2 मिनट में भी रेडी होकर निकल जाती हूँ। तो आज थोड़ा स्ट्रेट करना है बाल, तो मैं सोची कि थोड़ा आराम से कर लेती हूँ, अच्छा से करना है स्ट्रेट, तो मैं आराम से धीरे धीरे कर रही थी, और कोई कर देता तो वो और अच्छा से होता है, लेकिन मेरे पास जो स्ट्रेटनर है वो बहुत ही अच्छा से स्ट्रेट होता है, अच्छा खासा 1-2 दिन तो अच्छा खासा रह जाता है, मतलब हेयर वॉश नहीं करूँ तो, वरना वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। फिर रेडी होना हो गया अरे सारा कुछ, लेकिन बचा ईयरिंग लास्ट में, ईयरिंग तो मेरा हालत ख़राब कर दिया, समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद पहुँच गई जहाँ पर हमारा पार्टी था, और ये लोग सब कोई मिल गए तो मज़ा ही आ गया, साथ में जा रहे थे और बाकी सब कोई पहुँच चुके थे ऑलरेडी।
हम लोग का भी आप लीजिए। एक जन बनाओ, सब ग्रुप में डाल देना। सब आ गए पीछे से। पार्वती फ्री चल रहा है। सर को सर खूब खाइए हेल्दी केक। आज आज पूरा खाइए खाइए खाइए। प्राइज मिला है सर को? हाँ पकड़िए। कौन खींच रहा है फोटो? सर का पीछे थोड़ा सा चल जाएगा। हम आज दामिनी पहन ही लीजिए। डायमंड बॉडी पहना वो दिख नहीं रहा है। और ये अब सोना में लग जाइए। अभी चलो सोचे कि साड़ी तक हो जाए। फिर उसका उनका ससुराल में मिलेगा। वाइफ का नाम मोना रखेंगे।
पार्टी से रिटर्न आई और बेड का हालत देखी तो मेरा तो बुरा हाल हो गया। ऑलरेडी मैं इतना थकी हूँ और इसको अभी बेड को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो हालत ख़राब वाला काम था, लेकिन करना था। फिर उसके बाद फेस का भी थोड़ा सा केयरिंग करना है क्योंकि आज थोड़ा बहुत मेकअप की थी, तो इसलिए मैं सोची नहीं पहले फेस का क्लियर कर लेती हूँ, काम जितना भी है उसको सारा कर ली, फिर अपना हेयर को भी थोड़ा प्यार से कर ले रही हूँ क्योंकि आज स्ट्रेट की थी। और मैं सोने से पहले अपना सारा काम ये कर लेती हूँ अच्छा से। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।